प्रशासन की इनसेंसिटिविटी के चलते लगातार इस तरह की घटनाएं होती रही हैं और जिनको दबाया जाता रहा है। इनकलाब जिंदाबाद, 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 जीएस कैश लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे। ये हमको समझना पड़ेगा कि यार स्टूडेंट सुसाइड कर क्यों रहे हैं। यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए, अपना रोष प्रकट करने के लिए उपस्थित हुए हैं उन तमाम साथियों का क्रांतिकारी लाल सलाम पेश करना चाहता हूँ। इस बात को यहाँ से जोड़ते हुए मैं अपनी बात शुरू करूंगा। आज पूरे देश में मजदूरों का जो हालात है, जब मैं एसएफआई में हुआ करता था, मैं एसएफआई के छात्रों को पता नहीं होगा, यही वो जगह है जहां हम धरना प्रदर्शन किया करते थे। जब मैं दिल्ली राज्य का अध्यक्ष हुआ करता था, तभी से हम लोग ये बात बोल रहे थे कि कैसे हर फैक्ट्री के अंदर आज की तारीख में मजदूरों का सर्विलेंस शुरू हुआ है। ये जितनी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, आप सब लोग आगे चल के नौकरी करने जाएंगे तो पता चलेगा, जितनी मल्टीनेशनल कंपनियां अमेजन से लेके बाकी सब अपने मजदूरों का 24 घंटा सर्विलेंस करती है। वो कहां जा रहा है, कहां खाना खा रहा है, किस तरफ रह रहा है, किस तरह की जिंदगी है, उन तमाम चीजों की मॉनिटरिंग अभी शुरू हुई है। फैक्ट्री साइट पे हर जगह इसी तरह की सर्विलेंस की शुरुआत हुई है। ऐसे में पूरे देश में छात्रों के ऊपर जो घटनाएं हो रही हैं, वो बहुत ही संवेदनशील मामले हैं। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में जिस तरह की घटना हुई, उसके बाद वहां के प्रॉक्टर ने स्टेटमेंट दिया कि एक घटना है, एक सिंगल वन। दरअसल लगातार हम लोग चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के संपर्क में हैं और हमें मालूम है कि लगातार उस विश्वविद्यालय में प्रशासन की इनसेंसिटिविटी के चलते लगातार इस तरह की घटनाएं होती रही हैं और जिनको दबाया जाता रहा है। आईआईटी मुर्दाबाद, 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 सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, छात्रों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। असली वीडियो नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। इसी तरीके से एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी और उसके बाद आईआईटी में, आईआईटी बॉम्बे में, और अभी हम लोग देख रहे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में विशाखा ने आत्महत्या की है। साथियों, नीचे एक ऐसा माहौल है और ये बात सही है कि एसएफआई के साथी उस बात को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। नीचे एक माहौल ऐसा बनता जा रहा है जिसके अंदर कभी भी अगर उन लड़कों की काउंसलिंग नहीं की गई तो इस तरह की घटनाएं लगातार होती रहेंगी। उस पे रोकथाम, उसको रोकने के तौर तरीकों को इजाद करना होगा। क्यों नहीं, कॉलेज प्रशासन और विश्वविद्यालय का प्रशासन साइकियाट्रिस्ट और काउंसिलर्स की नियुक्ति करता है। जिस तरह से हमने अलग अलग कॉलेजेस में अभी मेडिकल स्टाफ नियुक्त किए हैं, उसी तरीके से हमें कॉलेजेस के अंदर साइकोलॉजिकल और तमाम तरीके की जो वुमेन स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम है, उनको काउंसिल करने की व्यवस्था हमें कॉलेज के अंदर करनी होगी। टीचर्स को भी और स्टूडेंट्स को, दोनों को ही एक ही समय पे इन मुद्दों पे सेंसिटिव बनाने की जरूरत है। मैं खुद टीचर हूं और मुझे पता है कि ऐसी स्थितियों में आम तौर पे शिक्षक इन मुद्दों से भागने की कोशिश करते हैं कि मेरे पास कोई ना आ जाए, मैं ना इस पंगे में पड़ जाऊं। ऐसी ऐसी दिक्कतें टीचरों के साथ रहती है। हमें पता है कि जब ऐसा मुद्दा किसी भी टीचर के नोटिस में आए, अगर कॉलेज के अंदर कोई इस तरह की काउंसलिंग टीम होगी तो टीचर तुरंत उनको काउंसलर्स के पास रेफर करेंगे और खुद भी उनके साथ
बैठेंगे। तो साथियों जीएसएस वर्षों से एसएफआई, जब मैं दिल्ली में एसएफआई करता था तभी वो जेंडर सेंसिटाइजेशन कमेटी जेएनयू के अंदर लागू हुई थी और वो एसएफआई के संघर्षों के माध्यम से लागू हुई थी। ये बात समझनी होगी कि किस तरह से जनवादी मुद्दों के ऊपर और महिलाओं के मुद्दे के ऊपर एसएफआई लगातार वर्षों से आपका सिर्फ स्टडी एंड स्ट्रगल स्लोगन नहीं है, वो वास्तविकता में लागू करने का कोशिश एसएफआई ने पूरे देश में किया है और जेएनयू के अंदर जीएसएस लागू होगा। आज वही बात हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी के हर कॉलेज के लिए बोलना होगा, हमें बोलना होगा कि जाकिर हुसैन कॉलेज में जीएसएस है कि नहीं, या पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी के सभी कॉलेजेस में जीएसएस है या नहीं। ये सवाल आज की तारीख में न सिर्फ महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि सभी छात्रों के लिए, हर प्रकार के स्टूडेंट्स के लिए आज की तारीख में ऐसी कमेटियों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो साथियों इस माहौल के अंदर, जब पूरी देश के अंदर एक पितृसत्ता का माहौल हमारे देश की सरकारें निर्मित करना चाहती है, अभी मैं वो बात बोलना नहीं चाहता विस्तार में, लेकिन हर तस्वीर को एक मैचो मैन की तस्वीर के रूप में दिखाने की कोशिश पूरे देश के अंदर हो रही हो, वैसे में इस तरह के जनवादी मांग जिसमें जीएसएस हो, जिसमें काउंसलिंग कमिटीज हो, इस तरह की मांग हर जनवादी आंदोलन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो साथियों जहां हम लोग समझते हैं कि मजदूरों की सुरक्षा, उनका सर्विलेंस वो सवाल है, उसके साथ ही साथ छात्रों, नौजवानों और महिलाओं के सवालों के ऊपर इस देश का मजदूर आंदोलन अपनी संवेदनशीलता प्रकट करता है और हम आपके साथ उन तमाम आंदोलनों में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा होने के लिए हमेशा तैयार मिलेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, 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 जीएसएस लेकर आएंगे, लेकर आएंगे, लेकर आएंगे, जीएसएस लागू करना होगा, करना होगा, करना होगा, जीएसएस लागू करना होगा, करना होगा, करना होगा, काउंसलिंग कमेटी बनानी होगी, बनानी होगी, बनानी। क्या सोशल फैक्टर्स हैं जो कि इंसान को इस कदर मजबूर कर देते हैं कि वो सुसाइड कर ले एट द मोमेंट, एट द लास्ट, वो भी स्टूडेंट जिसको ये कहा जाता है कि वो फ्यूचर है, भविष्य है भारत का, भारत का भविष्य ही अगर सुसाइड करने में लग रहा है तो फिर क्या होगा इस देश का, ये हमें समझना पड़ेगा। सबसे पहले विशाखा को डिप्रेशन था, वो मेंटली काफ़ी परेशान थी जिसने, क्योंकि मैं एक मतलब ऐसा मैं इनको मतलब इतना एलैबोरेटली भी मैं नहीं बता पाती, तो मेरे को इतना एलैबोरेटली वो नहीं मालूम, ठीक है, बल्कि इतना कंफर्म है कि लाइक वो थी डिप्रेस। वो हमारी फ्रेंड भी थी, काफ़ी अच्छी दोस्त थी हम सभी की, और जैसे कॉलेज में जो इस चीज़ की सोसाइटी के पीछे की वजहें हैं जो हम देख सकते हैं वो ये हो सकती हैं और ये हैं, जैसे कि अकेडमी इंस्टीट्यूशंस जहाँ हम सपने लेकर आते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, एएमयू, वहाँ सुसाइड सिस्टमेटिकली हो रहे हैं। 2008 में हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सेंथिल कुमार ने सुसाइड किया था, पहला स्टूडेंट था वो तमिलनाडु में एससी कम्युनिटी से, अपनी कम्युनिटी से हैदराबाद यूनिवर्सिटी और पीएचडी करने वाला फिजिक्स में, जिसे सुसाइड किया। 2016 में आपको मालूम होगा कि रोहित वेमुला ने सुसाइड किया, और फिर ये 19 सितंबर 2022 विशाखा तन्वर, ये फेलियर ऑफ सोसाइटी है। कॉलेज में फ्री साइकेट्रिक हेल्प नहीं है, एड नहीं है जो हमें मिलना चाहिए। फैमिली पे हम समझते हैं कि हम सभी कन्फेस नहीं कर पाते कि हम किस चीज़ से गुजर रहे हैं, चाहे वो चाहे कि कोई भी चीज़ हो, फिर हम सोचते हैं कि हम कम से कम कैंपस तो जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी तो जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, कम से कम वहाँ तो हमें ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पर हम कन्फेस कर सकें। ना कोई साइकेट्रिक एड है ना, और वीमेंस के लिए हॉस्टल सुविधा नहीं है। वो बीच में दिल्ली रह रही थी लगभग एक महीना, सारे स्टूडेंट एक्टिविस्टों ने, जितने भी फ्रेंड्स हैं, सब ने पैसे कलेक्ट करके उसकी हेल्प की और वो यहाँ पर रहने लगी, उसे हॉस्पिटल से एड भी कराया गया। अगर हॉस्टल्स वगैरह होते, फाइनेंशियल एड होता वीमन के लिए और साइकेट्रिक हेल्प होती और मेडिकल हेल्प होती तो ये होता नहीं। ये हमको समझना पड़ेगा कि यार स्टूडेंट सुसाइड कर क्यों रहे हैं। और कमाल की बात है कि लोगों को ना फ़र्क नहीं पड़ता, वो सोचते हैं कि यार इन्वेस्टिगेशन होगा, पुलिस होगा, इवन जो करीबी दोस्त होते हैं ना
वो भी अलग हट जाते हैं। तो यही हमारी डिमांड्स हैं। और ये कि नई शिक्षा नीति FIUP, अब फिलहाल अब भी ये सब चीज़ें ठीक नहीं हो पा रही हैं। जब नई शिक्षा नीति लागू होएगी, जो एक तरह से पूरी पूंजी परस्त है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो जाएगा, जहाँ वैसे भी SC ST स्टूडेंट्स की बड़ी कम रिप्रेजेंटेशन है। विशाखा SC कम्युनिटी से बिलोंग करती थी, वो भी हरियाणा जैसे स्टेट में, जहाँ हम सभी जानते हैं कितना रूढ़ीवादी उसका माहौल है उस स्टेट का, वहाँ से दिल्ली विश्वविद्यालय को सपने लेकर आना और फिर बाद में ये सब होना, ये पूरा कलेक्टिव फेलियर है सोसाइटी का। ये हमें समझना पड़ेगा और इसके लिए हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी कि विशाखा को न्याय दिया जाए।